जान चुकी है। बच्चा बच्चा इनका ऑडियो लेके घूम रहा है, सुन रहा है। गांव गली की बहन बेटियां सुन रही हैं। इनके कुकर्म सब जान चुका है। अपने कुकर्म छुपाने के लिए माननीय राजा भैया जैसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इनका इन सब चीज़ों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हम लोग ऐसी गंदी राजनीति, गंदी सोच नहीं रखते कि किसी लड़की की आड़ लेके जो है इनके साथ ऐसा कोई काम किया जाए। छपनियात यादव, हमको इतिहास मत बताओ। भूल गए क्या वो समय? अपना इतिहास भूल गए क्या? तो हमको बता रहे हो नानी के आगे ननियों के हाल शर्म नहीं आवत? किस आधार पे आरोप लगा रहे हो? हम जब काला चिट्ठा तुम्हारा खोलना चालू कर देंगे ना छपनियात, शर्म के मारे तुम्हारा सर झुक जाएगा। कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे तुम हो तुम्हारा भाई। आज ये रात में घूमते हो ना लोगों घर घर जाके धमकी देते हो, इसको धमकी देना छोड़ दो। छपनियात यादव, ये बता रहा हूँ तुमको, गलत फहमी ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़ो। जब तुमको किसी के आदमी से शिकायत है, गिला शिकवा है, उससे आके मिलो, उससे बात करो, उससे बताओ, ये धमकी देना छोड़ दो। कितने बड़े तुम राजनीतिक हो ये बताओ हमें, कितना बड़ा इतिहास है तुम्हारा। तुम्हारा वो वीडियो वायरल करूं जिसमें तुमने कहा था माँ बाप ने पैदा करके छोड़ दिया है, तन पे जो कुर्ता है वाले राजा भैया की देन है। मैं एक चाय बेचने वाला हूँ, चाय बेचने वाले को राजा भैया ने आज कहां से कहां तक पहुंचा दिया। मेरी नजर में मेरी व्यक्तिगत राय है कि ऐसे व्यक्ति को हम गद्दार ही कहेंगे जो माननीय राजा भैया जहां से पला बड़ा, जिनकी हैसियत आज राजा भैया के नाम से जानी, जब उनको छोड़ के चला गया। तुम किसी के सगे नहीं हो। 10 साल हम लोगों ने तुम्हारा साथ दिया, तन मन धन से तुम्हारे साथ रहे। तुमने क्या किया हम लोगों के साथ? और मैं आप सब लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से एक बात और अवगत कराना चाहता हूँ। छपनियात यादव क्यों हमारा नाम ले रहे हैं? जब ये राजा भैया से अलग हुए तो जब तक ये राजा भैया के साथ थे हम लोग तन मन धन से इनके साथ थे, हर इनके अच्छे बुरे कामों में खड़े रहते थे। बुरे काम में कम लेकिन अच्छे में ज्यादा रहते रहे, इनके बुराई से ज्यादा हमका मतलब नहीं रहता रहा। कई बार हमने इनको समझाया भी कि अपने इन बुरे कामों को छोड़ दो, नहीं एक दिन तुम ऐसा फंसोगे कि जैसे गायत्री प्रजापति फंसे हैं ऐसे ही तुम्हारा हश्र होगा। ठीक। और छपनियात यादव, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम एक स्कूल के प्रबंधक हो, बहुत उम्मीद लेके